पड़ा है। जब हम देश के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग करने निकलते हैं तो अनगिनत कहानियां बिना खोजे खुद ब खुद पास चली आती है जो पर्यावरण के संकट से जुड़ी होती है। ऐसी बात नहीं है कि जागरूकता का स्तर नहीं है हमारे देश में। आप किसी भी स्कूल में जाइए, वहाँ पर्यावरण को लेकर ड्राइंग या ऐसे कॉम्पिटिशन होता ही है। तैयारों के साथ बच्चे नाट्य मंचन करते हैं, उन सबको लेकर यही लगता है कि कितनी जागरूकता है पर्यावरण के बारे में। लेकिन ऐसा क्या है कि वायु प्रदूषण को लेकर भारत में हर साल 12 लाख से ज्यादा मौतें होती है। तो चलिए आज के प्राइम टाइम में इसी मुद्दे को उजागर करते हैं। हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है देश के अलग अलग हिस्सों में वहाँ की सच्ची तस्वीरें बताने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले गुड़गांव का हाल। यहाँ गुड़गांव में अरावली को बिल्डरों से बचाने के लिए संघर्ष हो रहा है। इसके बच्चे हिस्से पर जब बिल्डरों की नजर पड़ी तो हरियाणा विधानसभा ने इस पर एक कानून बनाकर यह इलाका उन्हें सौंप दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। अरावली को बचाने 2 दर्जन लोग और स्कूल की 8 नन्ही छात्राएं हर रविवार यहाँ सफाई करती दिखाई देती है, मगर उन्हें भी पता है कि जब तक पूरा गुड़गांव इस अभियान में शामिल नहीं होता तब तक अरावली को बचाया जाएगा। मैं संगीता, कैमरामैन दीपक के साथ NDTV इंडिया। दोस्तों, ये हालत है पूरे देश की। हम भारत को महासत्ता बनाना चाहते हैं, पर स्वच्छता के बगैर मुमकिन नहीं है। प्रयास तो चल रहे हैं पर वे काफी नहीं है। आपने अभी देखा कि अरावली की 8 नन्ही बच्चियां भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहती है। इसके लिए वे नुक्कड़ नाटिकाएं करती है। गुड़गांव में 8 लड़कियों को सुपर 8 कहा जा रहा है। इन लड़कियों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया, तो देखते हैं सुपर 8 की लड़कियों के नुक्कड़ नाट्य की एक झलक। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। क्या आपने कभी खुद की गलती देखी है? बताइए, क्या आपने कभी खुद की गलती देखी है? हम सबने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। हम सबने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। दोस्तों, देखा आप लोगों ने, जो बात सब्जी वाले भैया को मालूम है वो पढ़े लिखे बहन जी को नहीं। हमें भी इन सब्जी वाले भैया की तरह स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग देते हुए पॉलिथीन के बैग की जगह कागज या कपड़े से बने बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे धरती माँ को हमेशा खूबसूरत और स्वच्छ रखना चाहिए। बहन जी, ये लीजिए। भैया, अब दे। ये हुई ना बात, आइंदा से ध्यान रखिएगा। सोनू, भारत को स्वच्छ बनाएगा। भारत में फैली है गंदगी, जिससे तबीयत बिगड़ती है सबकी। गंदगी का साथ तू छोड़, स्वच्छता से नाता तू जोड़। सोनू के घर में है कचरे से है बड़ा खतरा। खतरे से भर जाए डस्टबिन का ढक्कन है गोल। सोनू, स्वच्छता का नारा तो बोल। सोनू, तू जो खाता है गुटका, स्वास्थ्य बिगड़ता है सबका। गंदगी का साथ तू छोड़, स्वच्छता से नाता तू जोड़। सोनू, भारत को स्वच्छ बनाएगा। हम सब ने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। तो आगे कहाँ बताए भैया, आगे की बात है पुरानी और पुरानी।
देखो जरा। जी उस्ताद, काफी मैच। उस्ताद, इनको भूख लगी है तो इनको एक केलवा दे दो। जी उस्ताद। किलो केलवा। अरे भी भूख लगी है, कोई के पारो को भी एक केलवा दे दो। जी उस्ताद। किलो पारो स्वच्छता की ज्योत जागी है, जागी, जागी।
देखना तुम कोला कोला जगमग जगमग होना ही सिद पे आ जाए देश मेरा देश मेरा देश मेरा फिर देखना तुम जगमग जगमग होना ही स्नान कराना है धरती को भी नहलाना है जो मन से निकले उमर घुमर उस नदी को आज बहाना है स्वच्छता की ज्योत जागी है स्वच्छता की ज्योत जागी है मेरा हर गली गली से डाल डाल से पात पात से हर मजहब से हर जात से कल कल करते नदी नहर से गांव गांव से शहर शहर से बस वही सुने हमें जिनके अंदर स्वाभिमान है जिनके अंदर स्वाभिमान मत भूलो मंदिर मत सिर गिरजा हिंदुस्तान है मत भूलो मंदिर मत सिर गिरजा हिंदुस्तान है यही तो हमारे लिए यारो हमारा अभिमान है यारो हमारा अभिमान है तो क्या हज या तीर्थ स्थल पर कूड़ा फेंक के आते हो तो क्या हज या तीर्थ स्थल पर कूड़ा फेंक के आते हो या फिर अपने पूजा घर में पान थूक के आते हो या फिर अपने पूजा घर में पान थूक के आते हो यदि निकले सफाई करने तो संकल्प कड़ा माने हम कचरा उठाने की शर्मिंदगी से देश बड़ा माने हूँ साफ हिंद की चाह में हर सफ़े पर कलम चले भारत स्वच्छ बनाने हेतु कदम मिलाकर हम चले कदम मिलाकर हम चले दिखला दे अब दुनिया को कि भारत आशावादी है दिखला दे अब दुनिया को कि भारत आशावादी है हर दिल में अमर तिरंगा धड़कन में महात्मा गांधी है हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए कृपया अपने घर के आसपास की सफाई रखें को रखना मेरे बच्चों संभाल के